हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज बनाएंगे व्रत में खाने के लिए खांडवी। खांडवी वैसे बेसन से बनाया जाता है, पर व्रत में हम बेसन नहीं खा सकते, तो इसे मैं बना रही हूं सिंघाड़े के आटे से। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं इसे। खांडवी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप सिंघाड़े का आटा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच चीनी। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। सेंधा नमक मैंने डाला है, जो कि व्रत में खाते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। एक छोटा चम्मच ये हरी मिर्च अदरक का पेस्ट है, ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे मिक्स करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ छाछ। छाछ को मट्ठा भी कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो आप इसे दही के साथ भी फेंट सकते हैं, थोड़े से पानी के साथ। बस इसे थोड़ा थोड़ा डालकर आप मिक्स करते रहें। ध्यान रहे कि इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास दही या छाछ घर में अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नींबू का रस डाल दें और थोड़े से पानी के साथ इसे मिक्स कर लें। बस इसमें टोटल मैंने 2 कप पानी इस्तेमाल किया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल फ्लोइंग होनी चाहिए, क्योंकि इसे थोड़ा देर हमें पकाना है। अब एक पैन गरम करें और इसके ऊपर इस तरीके से छन्नी लगाएं और इसे छान लें। ये करना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। बस अब गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पर कर लें। इसे लगातार इसी तरीके से हमें चलाते रहना है, ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना पड़े। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से लगातार इसे चलाते रहें। अगर आप नॉनस्टिक की बर्तन यूज कर रहे हैं तो इसे बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप एल्युमिनियम या स्टील का कढ़ाई यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, चिपकने लगता है। लेकिन नॉनस्टिक की में आराम रहता है, क्योंकि चिपकता कम है। तो बस इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहें दबाते हुए। इसे पकने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब ये जो मिक्सर है हमारा खांडवी बनाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। तो फटाफट से इसे प्लेट के ऊपर फैला लेते हैं। प्लेट के ऊपर मैंने पहले से ही देसी घी लगा के रखा था हल्का सा, ताकि इसको फैलाने में देरी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से सूखने लगता है। बाकी का जो मिक्सर है उसे आप कवर करके रखें, ताकि वो सूखे नहीं। इस वीडियो को मैंने जल्दबाजी में बनाया है, तो कैमरे का सेटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो गया है करने में, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये फैल रहा है। तो इसी तरीके से मैंने 4 प्लेट के ऊपर इसे फैला लिया है। फैलाने के बाद इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें सूखने के लिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ये अच्छी तरह सूख चुका है और प्लेट को छोड़ रहा है। बारीक किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ नारियल और धनिया पत्ती इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें और मन चाहे साइज में इसे रोल कर लें। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये निकल रहा है। बस इस तरीके से इसे कट कर लें और रोल कर लें। चाकू की सहायता से इसे हल्का सा छुड़ा जरूर लें रोल करने से पहले। बस बाकी का सारा प्लेट का इसी तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये खांडवी बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाकर आप 3 से 4 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। व्रत का समय है तो ये कभी कभी खाने के लिए बहुत ही अच्छा है। फलाहारी भी है तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम अन्न नहीं खा सकते हैं। तो इसे बनाकर आप फ्रिज में रख लें और जब मर्जी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसको रोल करने के बाद आप छौंक भी लगा सकते हैं। छौंक लगाने के लिए आप थोड़ा सा देसी घी गर्म करें, उसमें नारियल कद्दूकस किया हुआ नारियल हरी मिर्च जीरा डाल दें और उसके बाद इसके ऊपर डाल दें। बस ये हमारा खांडवी बनकर तैयार हो चुका है सिंघाड़े के आटे से, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये खांडवी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।